दोस्तों, इंजीनियर के पद पर काम करने वाला एक आदमी जो अपने ऑफिस 8 महीनों में मात्र 16 दिन ही गया, जब विभाग वालों को ये पता चला तो उससे कारण पूछने के लिए उन्होंने एक नोटिस जारी किया, लेकिन उस आदमी ने ऑफिस आने से बिल्कुल मना कर दिया और खुद को भगवान विष्णु का 10वां अवतार बताने लगा। इसके बाद विभाग वालों ने उसे समय से पहले ही नौकरी से हटा दिया, लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। इसके बाद उस आदमी ने विभाग को पत्र लिखा कि अगर नौकरी से हटाए जाने के बाद मिलने वाले रुपए उसे नहीं मिले तो वह अपनी दिव्य शक्तियों से पूरी दुनिया में सूखा ला देगा। जी हाँ दोस्तों, ये सच्ची घटना है गुजरात के रहने वाले रमेश चंद्र फेफर की, जो खुद को भगवान विष्णु का 10वां अवतार मानता है और उसने ये भी कहा है कि मेरे रहने से देश में एक वर्ष भी सूखा नहीं पड़ा, जिससे भारत को 20 लाख करोड़ का फायदा हुआ है, लेकिन अब सरकार में बैठे राक्षस मुझे परेशान कर रहे हैं, इस कारण मैं इस वर्ष धरती पर भीषण सूखा ला दूंगा। कभी कभी लगता है कि पुनीत भगवान है।